जिले में भारी भरकम ट्रेलर हाईवा पर चोर नजर गड़ाए बैठे हैं। जैसे ही मौका मिला चोर ले उड़ते हैं गाड़ियां। तीन दिन पहले ट्रेलर की चोरी में तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है। ट्रेलर मालिक ने तीन दिन पूर्व अपने ट्रेलर वाहन को बांकी मोगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंखा दफाई में सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था। गाड़ी की बैटरी को निकाल कर घर ले गए थे ताकि बैटरी चोरी ना हो जाए, पर उन्हें क्या पता था कि चोर बैटरी के अलावा पूरी की पूरी ट्रेलर गायब कर देंगे। वैसे ट्रेलर मालिक रोज सुबह शाम अपनी गाड़ी को एक नज़र देख आते थे। इसी दौरान कल सुबह जब अपनी ट्रेलर को देखने गए तो भौचक रह गए। उस जगह से ट्रेलर नदारद थी, आसपास काफ़ी ढूंढा। ट्रेलर मालिक व कोल लिफ्टर मित्रों को फ़ोन कर आसपास ढूंढने की बात कही। थक हार के संबंधित थाने को ट्रेलर चोरी हो जाने की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर बाकी मोगरा पुलिस तत्काल हरकत में आई। साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा जिले के सरहदी क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट रखा। इस बीच पता साजिक के दौरान पुलिस को पता चला कि वाहन को सातिर चोर के द्वारा टोचन कर बिलासपुर ले गया है, जहां बाकी मोगरा पुलिस ने बिलासपुर पुलिस को संपर्क कर उक्त वाहन के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें चोरी उक्त वाहन बिलासपुर में पाया गया, जिसके बाद आरोपियों की पता साजी किया गया, जिसमें तीन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त किया है। आरोपियों के पास से चोरी की ट्रेलर और टोचन वाहन, एक CPU और एक कार जब्त किया गया है। सर, क्या मामला था? मामला दिनांक 15/1/2021 को प्रार्थी देलाल चंद्रा, पिता तुलसी चंद्रा, निवासी प्रेमनगर कुसमुंडा का, थाने आकर शाम करीब 6 बजे के लगभग सूचना दिया कि उनके ट्रेलर क्रमांक CG04CJ0239 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। सूचना पर तत्काल हमने FIR किया। FIR बाद तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल साहब, MCSP महोदय को अवगत कराया तथा घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हमने उस रूट पे जहाँ जहाँ CCTV कैमरे लगे हैं उनके फुटेज देखे तो अज्ञात चोरों द्वारा उक्त वाहन को किसी टोचन गाड़ी से टोचन करके ले जाते हुए देखा गया। उस आधार पे हमने तस्दीक किया और काफ़ी उसमें पूछताछ और लोगों से पूछा तो हमें रात में करीब उक्त चोरी गए वाहन के संबंध में बिलासपुर से भी हमने सूचना लिया तो सूचना पे आधार पे वहाँ के सिरगिट्टी थाना के स्टाफ द्वारा बताया गया कि यहाँ एक वाहन खड़ी है टीपी नगर में और आरोपी भी यहाँ खड़े हैं। सर, कितने आरोपी थे? इसमें कुल तीन आरोपी हैं। क्या क्या जब्त किया गया उनके? आरोपियों से ट्रेलर वाहन जब्त किया गया है और जो सुको जो खींच के ले गए थे उससे जब्त किया गया है। आरोपी द्वारा जो उपयोग किए गए उसके कार, मोबाइल, CPU आदि जब्त किए गए हैं। आरोपियों पर पहले भी क्या मामले दर्ज हैं? हाँ, पहले भी पूछताछ पे उन्होंने कोयला की हेरा फेरी और कहीं बेचने के संबंध में पूर्व में भी FIR दर्ज हो चुके हैं और जेल भी जा चुकी है।